जामे बलूचिस्तान पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटीज में शामिल नहीं हो सकी थी। रैंकिंग में न सही हम, लेकिन अगर यूनिवर्सिटी की प्रोडक्ट के हवाले से देखें तो आज भी यूनिवर्सिटी की प्रोडक्ट जो है वो पाकिस्तान की किसी भी दूसरी यूनिवर्सिटी के मुकाबले में अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े फख्र से कह सकते हैं कि मौजूद ना अच्छा साहब के मेजर पिछले 10 साल से आपके असातिज़ा, आपके टीचर्स, प्रोफेसर, लेक्चरर्स एहतजाज कर रहे हैं, उन्हें सैलरीज नहीं मिल रही, पेंशन नहीं मिल रही, फंड्स नहीं मिल रहे। प्रोफेसर को चौक के लिए, मार्कर के लिए हर वक्त मोहताज रहना पड़े, लाइब्रेरी में किताब खोलने के लिए उसे बिजली का मोहताज रहना पड़े, कंप्यूटर को ऑन करने के लिए वो बिजली का मोहताज हो, लैब्स में बैठने के लिए उसे केमिकल्स ना मिलें, तो आप किसी ऐसे मुआशरे का बता सकते हैं जिसने इन तमाम चीज़ों के बावजूद एक्सेल किया हो? बजट ही नहीं आ रहा था, सबका बजट ही नहीं बढ़ रहा था, आपके पहले ही वसाइल बहुत कम थे, तो फिर सब कैंपसेस बनाने की ज़रूरत क्या थी? किसी भी इलाके में यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी का कैंपस बनाना ये उस यूनिवर्सिटी के इख्तियार में नहीं, हुकूमत के इख्तियार में होता है। आपके मुखालिफिन कहते हैं कि डॉक्टर शफीकुर रहमान साहब यूनिवर्सिटी को 1996 के एक्ट के मुताबिक नहीं चला पा रहे, नाकाम हो गए। आपका मुख्तलिफ माइंड सेट है, आप किसी दूसरे नज़रिए से चीज़ों को देखते हैं, मैं किसी दूसरे नज़रिए से देखता हूँ। आप समझते हैं कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में? बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में सियासत थी और सियासत है, इंटरनल भी है, एक्सटर्नल भी है, पल्ला कभी एक्सटर्नल का भारी हो जाता है, कभी इंटरनल का भारी हो जाता है, अपने अपने मफादात हैं।